ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छिंदवाड़ा में कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायक के घर पड़ा छापा। रविवार को पांडुना विधायक नीलेश उइके के पैतृक घर पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी है। अचानक से गांव पहुंची पुलिस की फौज ने अलग अलग जगहों पर जांच की है। चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। विधायक पांडुना कल लगभग 4 बजे पुलिस की टीम और आबकारी की टीम ने मेरे घर पे और मेरे खेत पे छापा मारा था। लगभग 3 घंटे इन्होंने घर से लेकर खेत तक सर्चिंग अभियान चलाया, पर इनको चुनाव संबंधी कोई सामग्री ना ऐसा मिला। मैं चुनाव प्रचार में था, मुझे जानकारी लगी कि घर पे पुलिस आई है। मैं घर पहुंचा तब तक इन्होंने आधी कार्रवाई कर लिया था। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय हार के डर से बौखलाई हुई है और एक आदिवासी विधायक को डराने का काम ये कर रहे हैं, पर मैं सच्चा स्वाभिमानी आदिवासी हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। इन्होंने कल जो मेरे साथ किया इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ, आहत हूँ। इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है, और आने वाले समय में आदिवासी समाज और क्षेत्र के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान नगद राशि, शराब और अन्य सामग्री के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की खबरें आ रही हैं। इसी मंशा से विधायक के घर सामग्री रखे जाने का शक था। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने रविवार को विधायक के निवास पर सर्चिंग की। करीब 3 घंटे तक चली इस सर्चिंग में पुलिस और आबकारी अधिकारियों की टीम ने विधायक जी के निर्माण अधीन मकान के आसपास के 8-10 मकान, खेत खलियान के साथ नदी नालों सहित कई स्थानों पर खोजबीन की। फिलहाल अधिकारियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसके बाद अधिकारियों की टीम खाली तलाशी की पंचनामा कार्रवाई करके लौट गई। फिलहाल इस छापेमारी पर विधायक जी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। इस छापेमारी के बाद एमपी में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।